हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो ये आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का 7th लेक्चर है, ठीक है। और देखिए इस लेक्चर का जो आपका टॉपिक है वो है आपका वियरिंग फेलियर, यानी जो आपका रिवेट कनेक्शन होता है, ठीक है, वो आपका वियरिंग में कैसे फेलियर होता है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो आपका टेंसाइल फेलियर और आपका शीयर फेलियर, ठीक है, ये तो दोनों फेलियर हमने पढ़ लिए थे। और टेंसाइल स्ट्रेंथ और आपकी शीयर स्ट्रेंथ, ये आपके रिवेट कनेक्शन की कितनी होती है, ठीक है, या फिर रिवेट कितनी होती है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। देखिए ये जो आपका बियरिंग फेलियर है ये क्या होता है, देखिए क्या है, जोड़ पर आने वाले बल के कारण रिवेट व प्लेट के बीच धारण प्रतिबल उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न धारण प्रतिबल का मान निर्धारित मान से अधिक होने पर प्लेट या रिवेट का रप्चर या विदरक होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब आपका रिवेट और प्लेट के बीच में, ठीक है, धारण प्रतिबल उत्पन्न होता है। अब देखिए धारण प्रतिबल क्या होता है, धारण प्रतिबल देखिए जब दो अलग अलग बॉडी आपस में मिलती हैं, ठीक है, जब दो अलग बॉडी कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उनके बीच में जो स्ट्रेस जनरेट होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी बियरिंग स्ट्रेस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि एक तो आपकी दो बॉडी यहाँ पर, एक आपका रिवेट है, दूसरा क्या है आपका प्लेट है, ठीक है, स्टील प्लेट है। तो इन दो, ये दोनों जब आपस में मिलती हैं और इन पर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस जनरेट होती है। और उस बियरिंग स्ट्रेस की वजह से या तो आपकी प्लेट फेल हो जाती है या फिर आपका रिवेट फेल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रिवेट फेल किस तरह से होता है आपका, देखिए बियरिंग स्ट्रेस से आपका ये जो रिवेट है टूटता नहीं है, शीयरिंग में टूट रहा था, इसमें टूटेगा नहीं, इसमें क्या होगा, इसकी शेप ख़राब हो जाएगी बिल्कुल, इस तरह से कह सकते हैं, ये कहते हैं कि इसमें कुचल जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही आपकी प्लेट भी क्या होगी, प्लेट भी टूटेगी नहीं लेकिन इसकी शेप जो है कि वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो फेलियर होता है आपका वो कहलाता है बियरिंग फेलियर, ठीक है। अब देखिए बियरिंग फेलियर आपका प्लेट का भी हो सकता है, ठीक है, और बियरिंग फेलियर आपके जो है आपका रिवेट का भी हो सकता है, ठीक। तो देखिए हम जब हम इस बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे आपके इस कनेक्शन की तो वो कैसे निकालने वाले हैं, देखिए तो बियरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका बियरिंग एरिया इनटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब देखिए बियरिंग एरिया जो क्या होगा, ये और ये वाला जो एरिया होगा आपका ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका ये रिवेट होगा, ठीक है, इसके ही कॉन्टैक्ट में आपकी क्या आ रही होगी, प्लेट आ रही होगी, ठीक है। तो जब ये आपस में, यानी कि जब इनमें बियरिंग हो रही होगी, ये आपस में कुचले जा रहे हैं, तो इनमें जो एरिया जो कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है। ये टी क्या है आपका, ये थिकनेस ऑफ प्लेट है, और आपका डी क्या है आपका, ये आपका डायमीटर ऑफ रिवेट है, ठीक। तो ये एरिया आपका कॉन्टैक्ट में आ रहा है इसलिए हम इसमें क्या लेते हैं, आपका प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ऊपर का यानी कि जो क्रॉस सेक्शन था वो नहीं इसमें वक्र रहा, इसमें क्या लग रहा है आपका, सिर्फ ये वाला एरिया लग रहा है, इसलिए हम क्या लेते हैं, ये प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। और इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए ये एक आपको देखेंगे तो आपको क्या है, ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, सामने देखने पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एक रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी इंटू टी, ठीक है, क्योंकि बियरिंग जो हो रही है वो इसी एरिया पर हो रही है, बियरिंग जो ऊपर वाला जो एरिया होता है आपका रिवेट का उस पर नहीं हो रही है, जो आपका ये शैंक का एरिया है, ठीक है, शैंक का प्रोजेक्टेड एरिया है जो दिखाई दे रहा है, जितने कॉन्टैक्ट में आपका प्लेट रहने वाली है वही एरिया होगा इसमें है बियरिंग एरिया, ठीक है। तो वो एरिया कितना है आपका, वो ये वाला एरिया है, ये टी इंटू डी वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, बियरिंग एरिया इंटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, बियरिंग एरिया कितना हो जाएगा आपका, डी इंटू टी, और आपकी बियरिंग स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, ये एफ बी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये टी है ये हमें कौन सी लेनी है, थिकनेस ऑफ कॉर प्लेट, अगर आपने दो कॉर प्लेट लगाई हैं तो उनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी आपकी, टू टी वन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कॉर प्लेट की थिकनेस क्या लेते हैं, टी वन लेते हैं। और थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितनी है आपकी, ये टी है, ठीक। अच्छा ये टी जो होती है ये कौन सी प्लेट की होती है, जो दो प्लेट होती हैं आपकी उनमें भी, उनमें जो मिनिमम इसकी थिकनेस मिनिमम होती है वो वाली हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में हम देखें तो इन दोनों में कौन सा लेंगे आपका, विच इज़ मिनिमम, यानी अगर आपका बट जॉइंट है, बट जॉइंट में अगर कवर प्लेट यूज़ हो रही है आपकी तो उसका टू टाइम्स लेंगे, और जो आपकी मेन प्लेट है वो उस जो मेन प्लेट में जो आपकी पतली वाली प्लेट होगी उसकी थिकनेस लेंगे, और इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो बियरिंग जो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो आपकी ये आने वाली है।
ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपका कंप्रेसिव फोर्स लग जाता है अब तो आपका जॉइंट फेल हो जाएगा, ठीक है, या तो वो प्लेट फेल हो जाएगी या फिर आपका जो है रिवेट फेल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट क्या हो जाएगा आपका। देखिए, जो स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी वो कौन क्या हो जाएगी, ये है आपका पीटी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, और आपका पीबी क्या है, ये आपका जो है बियरिंग स्ट्रेंथ है, और पीएस क्या है आपका शियर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आपके जो रिवेट कनेक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगी वो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब देखिए, हम मिनिमम वाले क्यों ले रहे हैं, हम मिनिमम वाले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सपोज़ अगर आपका कनेक्शन शियरिंग में फेल हो गया है, ठीक है, लेकिन क्या है आपका पीबी और पीटी यानी टेंशन में और आपका बियरिंग में जो है सेफ है, लेकिन किसी एक में भी फेल हो गया है तो वो कनेक्शन आपका क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा, ठीक है। और फेल कब होगा, जब जब कि आपकी उसकी स्ट्रेंथ कम होने वाली है, यानी शेयरिंग में स्ट्रेंथ कम हो या फिर बियरिंग में स्ट्रेंथ कम हो या फिर आपकी टेंशन में स्ट्रेंथ कम हो, तो हम मिनिमम जो स्ट्रेंथ होगी वही क्या मान लेंगे, उस रिवेट कनेक्शन की स्ट्रेंथ मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम जो आपका परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेस इन रिवेट, यानी जो हम अभी स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, आपके शेयर स्ट्रेस आपके बियरिंग स्ट्रेस और आपके जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, इनकी बात कर रहे थे। देखिए, इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है और किस कंडीशन में कितनी होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर क्या आपका टाइप ऑफ रिवेट है, या क्या आपका टेंशन में है, ये शेयर में, और ये आपका ये बियरिंग में है, ठीक। अब देखिए, अगर हम बात करें, पहला ही बात क्या है आपका, पहला है पावर ड्राइवन शॉप रिवेट है, ठीक है, जो आपके रिवेट हैं वो क्या है, पावर ड्राइवन है और आपके शॉप में जो है रिवेटिंग कर रहे हैं हम। पहली बात तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन का यूज़ कर रहे हैं रिवेट लगाने के लिए। दूसरा क्या है, उन्हें बना लगा कर रहे हैं, उन्हें हम उन्हें शॉप में लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपकी टेंशन जो स्ट्रेस होती है वो 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है, शेयरिंग भी कितनी होती है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और जो बियरिंग होती है वो होती है आपकी 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब देखिए, दूसरा क्या है आपका, हैंड ड्राइवन रिवेट, अगर क्या अब रिवेट आप क्या है, हैंड ड्राइवन है, मतलब हाथ से लगा रहे हैं रिवेट, तो उसके लिए कितनी होती है, इसमें टेंशन में 80 हो जाती है, ठीक है, शेयरिंग में हो जाती है 80 और आपके बियरिंग में हो जाती है 250। अब देखिए, एक टाइप के रिवेट हमने और पढ़े थे, वो कौन से थे आपके, वो थे आपके पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, ठीक है। तो देखिए, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट जो होंगे उनकी जो क्वालिटी होगी वो हैंड ड्राइवन रिवेट से अच्छी होगी और आपकी पावर ड्राइवन शॉप रिवेट से कम होगी, ठीक है। तो उनकी जो स्ट्रेंथ रहनी है वो इन दोनों के बीच में रहनी है। देखिए, फॉर पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट, इनके लिए क्या हो जाएगा आपका, जो स्ट्रेस हो जाएगी परमिसिबल स्ट्रेस वो 90% ऑफ पावर ड्राइवन शॉप रिवेट, यानी जो जो आपके पावर ड्राइवन शॉप रिवेट है उनकी 90% हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें एक्सियल टेंशन की तो वो कितना हो जाएगा, वो 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। शेयरिंग की बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो भी 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बात करें हम बियरिंग स्ट्रेस की, तो ये हो जाएगा आपका, ये होने वाला आपका 270 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, एक टर्म और आपकी, वो है आपकी रिवेट वैल्यू। देखिए, रिवेट वैल्यू क्या होती है आपकी, ये जो होती है आपकी, ये होती है रिवेट वैल्यू बराबर होती है आपकी, ये होती है एक रिवेट की शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ में से जो कम हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक रिवेट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है, और बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो अगर हम रिवेट वैल्यू की बात करें तो रिवेट वैल्यू क्या होगी आपकी, इन दोनों में से मिनिमम होगी, ठीक है। इसे हम डिवाइड करते हैं आर से, आर बराबर क्या होता है आपका पी एस और आपका ये होता है पी बी, ठीक है, यानी इन दोनों में से क्या होगा, जो भी मिनिमम होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी रिवेट वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, इस रिवेट वैल्यू का यूज़ हम कहाँ करने वाले हैं, अगर न्यूमेरिकल में आपको क्लियर हो जाएगा,
तो देखिए ये जो आपका इस चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन था वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम जो शुरू करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू करने वाले हैं। जितने भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है, जो डाउट आपको लग रहे होंगे, जो समझ में नहीं आ रहा होगा, वो आपका न्यूमेरिकल में सारा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं।